नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवर्स डी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर की तरफ से दिए गए बयान के बारे में, जानकारी आप सभी को देने वाले हैं अलग अलग विभागों को लेकर। 4 लाख पदों पर अगर बात करें सरकारी नौकरी के बारे में, और भी तमाम अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, उसके बाद में आपको क्या लगता है कमेंट करके बता करके अवश्य जाइएगा। जैसा कि आप सभी को बताएं, मैं आपको मुख्यमंत्री सर का जो बयान है वो दिखाने वाला हूं, लेकिन ऐसे में अगर हम इंतजार करें तमाम भर्तियों के बारे में जो कि यहां पर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग है, चाहे वो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर TGT PGT के लिए समय समय पर धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, LT गेट की बातें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। UPSSC से 50,000 पदों पर वैकेंसी की जानकारी रोज हमें देखने के लिए मिल रही, लेकिन ऐसे वहां से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें UPSSI को लेकर दरोगा भर्ती के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी अपडेट भी पूछ रहे थे, लेकिन ऐसे में किसी भी भर्ती के बारे में विज्ञापन यहाँ से जारी नहीं हुआ है। हालांकि हाल ही में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासनादेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसे में तमाम भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से जो भर्तियां वो लटकी हुई हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री सर की तरफ से यहाँ पे 4 लाख सरकारी नौकरी की जानकारी दी गई, लेकिन अगर आपको याद होगा संविदा का जब मामला देखने के लिए मिला था, उस समय मुख्यमंत्री सर की तरफ से कहा गया था कि लगभग 3 लाख पदों पर भर्तियाँ शुरू करवा दी जाएं, जो कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ऐसे में अभी तक उसका किसी का भी जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। TGT विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद में निरस्त भी हो गया। तो ऐसे में तमाम भर्तियों का लगातार जो इंतजार किया जा रहा है, अभ्यर्थी ट्विटर वार करते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सर की तरफ से इन भर्तियों की घोषणा भी की जाए। तो ऐसे में किसी भी विभाग के अंदर अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 साल हो चुके हैं भर्तियों को लेकर, चाहे प्राथमिक की भर्ती को 2 साल हो चुके हैं, LT गेट को 2.5 साल हो चुके हैं या फिर TGT को 4 साल देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में और भी तमाम भर्तियां हैं जो काफ़ी सालों से निकली नहीं हैं। दूसरी तरफ लगातार अभ्यर्थी मांग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री सर की तरफ से यहाँ जानकारी दी गई है जो कि आप सभी सुन सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है, हमारा प्रयास रहा है पिछले 4.25 वर्ष के दौरान, आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे और खासतौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सबको ध्यान में रखकर के हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों के 3,300 से अधिक पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था, उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था। यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है,
कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी, और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है, कठोरतम कार्रवाई। लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सभी जगह उसी पारदर्शी तरीके से जहां हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। तो जैसा कि आप सुनिए, मुख्यमंत्री सर की तरफ से सुना तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, नेत्रहजार शिक्षक भर्ती या फिर अन्य तमाम भर्तियों को लेकर UPPSC UPSSSC जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज भी लगभग 438 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन ऐसे में नई भर्तियों को लेकर जो युवाओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, उसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। तमाम भर्तियों का लगातार इंतजार किया जा रहा है, आगामी समय के अंदर आप सभी को बताएं जल्दी से वैकेंसी निकले तो कहीं ना कहीं पूरा करवाने की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। वैकेंसी निकल आती तो उसके बाद में लटके ना, और भी तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो इंतजार है वो TGT LT और 97,000 और तमाम भर्तियों का है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार है तो विज्ञापन का, दो समाचार पत्र के अंदर भी जानकारी आती है, लेकिन विज्ञापन आने का जो इंतजार है वो लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर नए विज्ञापन जारी कर देती है, तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, और कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां शुरू करके वो भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र पा सकते हैं मुख्यमंत्री सर की तरफ से। तो इंतजार इन तमाम भर्तियों का सरकार की तरफ से कब तक जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर वैसे तो तमाम गलतियां अभ्यर्थियों ने की हैं, जिनका कहीं ना कहीं कुछ का यहाँ पर चयन भी निरस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बार बार गलती करते हैं, मतलब कि हमारे अधिकारी, समय समय पर उनकी तरफ से तमाम गलतियां देखने के लिए मिलती। कुछ अभ्यर्थी मुझसे कल कह रहे थे जब मैंने शासन आदेश के बारे में जानकारी दी थी कि सर वहाँ पर लिखा हुआ है 22/12/2020, ऐसे में क्या 22/12/2020 के बाद का वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सही तरीके से लिखा नहीं गया था, टाइपिंग एरर भी हम कह सकते हैं, या फिर अगर बात करें बार बार गलतियां भी आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर संशोधित शासन आदेश जारी किया गया जो कि विसंगतियों को लेकर है। बिंदु संख्या 6 के अनुसार उनका कहना है कि यहाँ पर गलती होगी, गलती ये हुई थी कि जो स्नातक BTC CTET UPTET जो भी आपकी अर्हता है वो 22/12/2018 की होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर 22/12/2020 लिखा हुआ था। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली, तमाम अभ्यर्थियों ने इसको लेकर शिकायतें भी की, तो शासन ने अपने जिसको यहाँ पर संशोधन कर लिया। अभ्यर्थी की गलती तो नहीं मानी जाती है, लेकिन शासन की तरफ से जो गलती की गई थी उसका सुधार किया गया। उनका कहना है कि 22/12/2020 के स्थान पर 22/12/2018 पढ़ा जाएगा, तो ऐसे में आप लोग उसको वही पढ़िए जो आप सभी के सामने है। फिलहाल संशोधित शासन आदेश जारी किया गया जो कि संशोधन को लेकर है। हालांकि कल जो संशोधन किए गए थे वही सेम टू सेम आप सभी के जारी रहेंगे, उसके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिनको स्थगित किया गया उसके बारे में आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये होगी दोस्तों अपडेट। आप सभी को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।